अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़फ़रुल असर पर्रा और आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरी ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ। तो यार, लोग जो है आजकल इंटरनेट पे जो सर्च हो रहा है कि लोग कहते हैं भाई आउट ऑफ टू माइज एमुलेटर, आउट टू प्ले पबजी इन 90 FPS या पबजी लाइक फिक्स वगैरह 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 लोग बहुत लिखते हैं। सारे एमुलेटर प्लेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि पबजी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पबजी ग्राफिक्स कार्ड पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। लोग कहते हैं भाई अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड ले, 4 GB ले, 8 GB ले। असल में जो है इसके ऊपर पबजी ऐसी चीज़ है, मतलब इसके लिए आपको हर चीज़ जो है इक्वल चाहिए, मतलब उसके लिए बराबर चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना के बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए। देखिए, पबजी की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग इतना यूज़ नहीं करते। जिस तरह अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल आर डिलीट जब बटन आप दबाओगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जब आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जो है ये CPU यूजेज है ना, ये जो इतना यूज़ नहीं होता है। जब बंदे मतलब आप खेलोगे, आप जब भी देखो आपके CPU यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरा i7 इस वक्त है तो ये मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50% होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे रेम्स की, अभी मैं बिल्कुल स्ट्रीमिंग भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, और मेरा जो है 54% रेम आ रहा है, क्योंकि मेरा जो है रेम 8 GB है। अच्छा, जब आप लोग पबजी ऑन और ऑफ़ करोगे, तब सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होगा डिस्क। जी डिस्क, GPU भी नहीं, डिस्क होगा। जब आप लोग गेम ऑन करते हो तो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे आता है, डिस्क पे आता है। और उसके बाद जो है GPU की लोड भी इतना नहीं आता, GPU भी इतना लोड नहीं आता। जब आप PUBG खेलते हो, GPU भी 60% लोड आता है या तो 70% लोड आता है। खुद उस दौरान ये कंट्रोलर डिलीट दबा के चेक भी कर सकते हो। तो आपकी जो है कंप्यूटर, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, अगर चीप से चीप हो तो 4i5 हो, 2nd Gen हो, या 4i3 का 4th Gen हो, ठीक है, हाँ सॉरी 4th Gen हो, तो आपके साथ मतलब प्रोसेसर इतना ख़ास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड यूज़ ही नहीं हो रहा है। आप खुद एक ही प्रोसेसिंग मतलब एक ही चीज़ चला रहे हो एट अ टाइम। अगर एक एट अ टाइम आप 10 चीज़ें चलाओगे तो उसके लिए आपको जो है प्रोसेसिंग स्पीड की ज़रूरत होगा। तो लोग कहते हैं भाई रैम, ठीक है यार, मेरे साथ ऐसे बंदे भी खेलते हैं जो मैं कहूँ कंक्वेरर प्लेयर है, तो उनकी जो है रैम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने देखा है रैम जो है 6 GB होता है, ठीक है। अब पबजी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो है 4 GB भी है, 4 GB में भी आप जो है पबजी खेल सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपकी रैम जो है 1600 MHz होना चाहिए, अगर आप 6 GB में खेलना चाहते हो तो। देखो, स्पीड का भी फ़र्क होता है, मैं आपको बताता हूँ, 1333 1333 मेगाहर्ट्ज़ वाला भी होता है रैम, ठीक है। आप बाज़ार से जब लेते हो तो आपको वो सिंपल से दिखाता है, जो बिल्कुल साधारण टाइप का दिखता है ना रैम, वो जो है आपको लिखा हुआ है ऊपर स्टिकर पे लिखा हुआ है 1600 MHz, ठीक है। जब आप उस रैम को देखते हो, ठीक है, जब कंप्यूटर पे डालते हो, इंस्टॉल करते हो, उस दौरान जब आप बायोस सेटिंग से देखोगे, तब अगर 1600 MHz हुआ तब आप देखो कि यार ये अभी 1600 MHz। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर बाज़ारों में जो है आजकल फेक मिलते हैं। जब आप लगाओगे उसको, उसे ऊपर से जो स्टिकर पे लिखा हुआ है 1600 MHz, जब कंप्यूटर पे लगाओगे ना, इंस्टॉल करोगे, तो वो जो है आपको 1333 MHz देगा। तो मतलब ये है कि वो सारे फेक होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पबजी खेलते हैं और कहते हैं यार रिकॉर्डिंग भी तो करना है, मैंने स्ट्रीमिंग भी करना है। हाँ, अगर आपको स्ट्रीमिंग करना है, स्ट्रीमिंग, तो आपका ये Core i5 का 3rd Gen होना चाहिए या Core i3 का 6th Gen होना चाहिए। अगर उससे ऊपर Core i7 पे जाओगे तो बेस्ट होगा, बेस्ट, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि आपकी जो है मतलब एट अ टाइम दो प्रोसेसिंग, तीन प्रोसेसिंग्स चलेंगे, तो उसके लिए आपकी जितनी प्रोसेसिंग पावर होगा, जितनी स्पीड होगा, उतना ही ज़बरदस्त चलेगा। अच्छा, रैम मैंने 6 GB इसलिए कहा कि 6 GB सिर्फ पबजी को चलाने के लिए। हाँ, अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे, स्ट्रीमिंग एट अ टाइम रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करोगे, तो आपको 12 GB रैम की ज़रूरत होगा। मेरे साथ खुद मेरे इस वक्त 8 GB रैम है, मैं स्ट्रीमिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं मिल रहा है जो मेरे साथ पहले 12 GB रैम हुआ करता था, 1600 MHz। उस वक्त मैं जो है ये 12 GB में रहता, हाँ उस वक्त जो है मैं जब भी खेलता था तो मेरा गेम बहुत स्मूथ चलता था, तो रिकॉर्डिंग भी सही होता था, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे एट अ टाइम
ये अभी देखो आप खुद समझते हो, समझ जाओगे जब आप पबजी ऑन करोगे। पबजी उसी टाइम आपको 44 46 इस तरह मतलब मेमोरी यूजेज लाएगा, तो उस हिसाब से आपकी जो है, मेरा अभी 8 GB रैम है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे लोड ज़्यादा होगा। मेमोरी भी जब ज़्यादा लोड होगा तो उस हिसाब से फिर मेमोरी की जो पेज फाइल होगा वो फुल हो जाएगा। जितना उसकी पेज फाइल है वो फुल होने से फिर उसके बाद मेमोरी आपका जो है मतलब आपके कंप्यूटर को वीक करेगा। मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर की सम जो एक्सेलरेशन है, आपके कंप्यूटर को स्पीड करता है ना। तो खैर आपकी रैम की तो मसले हल हुए। उसके बाद मेन चीज़ लोग कहते हैं GPU है, GPU, ठीक है। अच्छा अब GPU मैं बताता हूँ, GPU मेन चीज़ गेमिंग के लिए है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन इस इमुलेटर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। जो जिस तरह लोग कहते हैं कि भाई GPU होना चाहिए, GPU देखो पबजी के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी चीज़ों गेमों को मैंने ट्राई भी नहीं किया मैं उस हिसाब से। अगर आपके साथ इस वक्त 1 GB, ठीक है, निविडिया का ग्राफिक कार्ड है, जो 1 GB निविडिया का है, तो 1 GB अगर 128 बिट हो मतलब ये के, तो खैर पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करूँ कि GPU दो किस्म का आता है, एक आता है निविडिया का और एक आता है AMD का, ठीक है। अब निविडिया और AMD का फ़र्क क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक हल्का सा मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, समझो निविडिया जो है आईफोन है, ठीक है, और AMD है सैमसंग। अब इन दोनों मोबाइल में लोग कहते हैं क्या फ़र्क है। देखो जब आप आईफोन ख़रीदते हो तो आपको बहुत ही महंगा पड़ता है, मतलब एक आईफोन आप ख़रीदते हो आपको पड़ता है कम से कम कितने, 2 लाख 2.5 लाख नया जब लेते हो उसी, कोई भी आईफोन एक्सो वगैरह वगैरह, तो मैं उस हिसाब से नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसकी जो है रैम होगी 2 GB या 3 GB, ठीक है। अब जब हम लोग कंपटीशन करते हैं तो सैमसंग की जो है 6 GB या 8 GB रैम वालों के साथ भी कंप्यूट कर सकता है, यानी कि कंपटीशन कंपटीट करता है, कर सकता है। क्यों क्यों, असल वजह ये है कि आईफोन जब भी कोई चीज़ डाल देता है, मिसाल फॉर एग्जांपल जब आईफोन के रैम होता है तो आईफोन के रैम होता है DDR4 के रैम्स, ठीक है, और अगर सैमसंग रैम डालता है तो सैमसंग डालता है DDR3 की रैम्स। अब इसकी स्पीड आप खुद पता है, DDR4 की जो है स्पीड आता है मिसाल 2600 MHz से आता है मेरे ख्याल, उससे भी ऊपर आता है 3200 आता है, और DDR3 की मैक्सिमम आई थिंक 2200 MHz आता है, मैक्सिमम शायद 2200 या 2600 है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपको तो खुद पता चला कि यार आईफोन जो है क्यों अच्छा है। लोग कहते हैं यार आईफोन 2 GB रैम है और ये लैग ही नहीं मारता है, इसका गेम ऐसे चलता है, वो चिपसेट की बात भी है, प्रोसेसर की बात भी है, लेकिन मैं जो उस चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप लोग समझो ना। अब यहाँ पे जो है आईफोन की जो रेट है आप खुद कह रहे हो कि 2.5 लाख है, ठीक है, और जब हम आते हैं सैमसंग के रेट पे तो सैमसंग का वही मोबाइल अगर आप 2 GB रैम के देखो तो आपको पड़ेगा 30,000 40,000 मैक्सिमम, मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। तो ये निविडिया और AMD का सिस्टम भी यही है, आप जब एक निविडिया लोगे तो आपको समझो आईफोन मिल गया, अब AMD लोगे समझो आप जो है सैमसंग ले लिया। अच्छा अब लोग कहते हैं भाई निविडिया का 1 GB 7,000 का मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो AMD का 1 GB 2 GB 7,000 का मिल रहा है, अभी इनमें क्या फ़र्क है। देखो इसमें जो है फ़र्क ओरिजिनल और मसल मैंने कहा जो मटेरियल अंदर के होता है वगैरह वगैरह, वो जो ऊपर जो लिखा होता है AMD में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाता है। AMD जो है बहुत हीटिंग देता है, हीटिंग गर्म भी होता है, AMD की जो मेमोरी स्पीड होता है वो कम होता है, मेमोरी बैंडेज होता है, वो भी आप लोग वेबसाइट पर भी देखोगे तो आपको बिल्कुल बराबर मिलेगा। वो जो है बाहर की सॉफ्टवेयर है, अंदर की जो हार्डवेयर है वो आप लोगों को पता नहीं है, जो अंदर के हार्डवेयर जिस तरह आईफोन की है आप लोगों को पता नहीं, ऊपर से जो दिख रहा है आप लोग कहते हो भाई 1 GB है 2 GB है, अंदर की जो हार्डवेयर है मेन चीज़ तो वही है ना। तो निविडिया इसलिए एक्सपेंसिव क्योंकि वो हीटिंग नहीं देता है, वो गेमिंग बेस्ट है। खैर अभी मैं यहाँ तक आ गया, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। अगर आपके पास इस वक्त AMD का 1 GB है या निविडिया का 1 GB GPU है, ठीक, लोग कहते हैं भाई GPU जो है 4 GB होना चाहिए, पबजी के लिए बेस्ट है, ये है वो है, तो यार 1 GB अगर आपके साथ GPU है तो उसके लिए 1 GB के लिए 720p पे रेजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा आपको पबजी एमुलेटर का। खैर वो मैं बाद में आप लोगों को तसली से बता दूँ, सिर्फ इतना आप लोग को आइडिया दे रहा हूँ कि पबजी के लिए, पबजी एमुलेटर के लिए GPU का भी इतना नीड नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा नीड होता है सब चीज़ों का, मतलब सब चीज़ें इक्वल होना चाहिए इसमें। अब हम लोग जो है सोचते हैं यार चलो कोर i5 सेकेंड लिया, 6 GB मैंने रैम भी ले लिया, 1 GB NVIDIA या AMD का GPU भी ले लिया, 720 का चलो मोनिटर भी ले लिया, तो इस हिसाब से अभी मसला क्या है, फिर भी गेम लैग कर रहे हैं। लोग कहते हैं यार
मेरे साथ जितने लोग कहते हैं ना, मैं खुद भी खेलता हूँ। मेरा हालांकि i7 है, थर्ड जनरेशन, मेरे खुद GPU 2GB 256 बिट, लेकिन मेरा गेम भी लैग होता है स्ट्रीमिंग के दौरान। इसकी वजह ये SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। SSD और HDD, आप लोग खुद नेट पे चेक करें, HDD जो है मेरा खुद का HDD है, ठीक है। अभी आप जब नेट पे चेक करोगे तो जो परफॉर्मेंस SSD में आपको मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस की मैं कह रहा हूँ। देखो एक बात, पबजी हमें जो हम खेलते हैं, मिसाल के तौर मैं खुद जो है 1080p पे खेलता हूँ ना, तो 1080p, तो उस हिसाब से जो है मैं मुझे जो है FPS जो मिलता है यहाँ पे जो है 57 या 58 इस तरह FPS मिलते हैं, ठीक है। पबजी के हिसाब से 57 FPS मिलता है। अगर मैं यही SSD इंस्टॉल करूँ तो मुझे जो है इसी पबजी में जो है फिक्स 60 FPS मिलेगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एमुलेटर है, ये इसकी जो यूजेज है, मैक्सिमम यूजेज जो है, सबसे ज़्यादा जो यूजेज इसकी जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है इसका ना, वो SSD या हार्ड डिस्क इसके ऊपर होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, SSD इसके लिए लेना है। जब आप लोग SSD लोगे तो आप लोगों को जो है FPS ज़्यादा मिलेगा। अभी खैर ये जो है आज का मेरा पहला पार्ट हुआ है, मैं आप लोगों को इससे आगे भी कुछ सिखाऊंगा। अच्छा एक और बात भी कहना है, जब आपके साथ 1 GB का GPU है, ठीक है, 1 GB का, तो आपके स्क्रीन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अभी आपके साथ 1 GB के GPU, आपने जो है 2K स्क्रीन जो है सेट किया है इसके ऊपर, ठीक, 2K का स्क्रीन है, तो आपका ये 1 GB GPU जो है इसके लिए फालतू है। क्यों? क्योंकि जो है 2K स्क्रीन के लिए आपको 2K स्क्रीन वाला ही GPU चाहिए, बड़ा GPU चाहिए। स्क्रीन पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा स्क्रीन लोग उसके लिए उतना ही बड़ा GPU लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से कहते हैं, GPU मीन्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, गेमिंग प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कहते इसे लोग, वैसे गेम कार्ड भी कहते हैं, इसे ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे इंशाल्लाह। इससे आगे इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 पे आप लोगों को बताऊँगा, और बहुत ही मेन चीज़ मैं बताऊँगा पार्ट 2 में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़।